कैसे हैं आप लोग? विज्ञान इज मंच में आपका स्वागत है। यहाँ आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड और बूस्ट करेंगे। अभी तक आपने बहुत से पेडिग्री एनालिसिस की वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, जिसमें बहुत से ट्रिक्स आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं। एंड आई पर्सनली डिड नॉट प्रीफर दिस मेथड, क्योंकि मैंने वेरियस टाइम्स ये पाया है कि शॉर्ट ट्रिक से पेडिग्री सॉल्व तो होते हैं, बट आपने पढ़ा होगा अगर डोमिनेंट डिजीज है तो जनरेशन स्किप नहीं होगा, और अगर रेसेसिव है तो करेगा, जो कि जरूरी नहीं है। कभी कभी पेडिग्री के मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, ये मैं आपको वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम पेडिग्री इजीली कैसे सॉल्व करें विदाउट मेमोराइजिंग दैट मच ट्रिक्स इन विद इन अ मिनट, चाहे पेडिग्री के कितने भी जनरेशन दिए हों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास सबसे पहले न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग न्यू वीडियो अपलोड करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Human genetics. The study of genetic characters and aspects like genetic improvement among human are included in human genetics. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ characters हैं, अगर हम उसको improve करके human को और बेहतर बना सके, तो हम क्या कहते हैं, human genetics में include करेंगे। Human genetics को और क्या बोल सकते हैं हम? Human genetics को और बोल सकते हैं क्या? Eugenic या well born. The word जिसे लिया गया है, eugenic या well born. जो ये term था, ये जो hypothesis थी, वो किसने carry forward किया था? Forward किसने किया? Hypothesis किसने? Francis Galton. फ्रांसिस गैल्टन 1883 में इन्होंने बताया कि हम ह्यूमन के अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसको यूजेनिक कहेंगे। ह्यूमन की स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन तरीके के डिवाइसेस होते हैं। डिवाइस वन है, तो हम कहते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। दूसरा डिवाइस होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और तीसरा होता है ह्यूमन जीनोम कैरियोटाइप। तीन तरीके से आप एनालिसिस कर सकते। पहला जो हम ले रहे हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ मैन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, कैसे एक डिजीज या एक ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच रहा है, कौन सा पैटर्न है, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस को देखते समय जो सबसे पहला पर्सन होता है जो अफेक्टेड होता है, और आगे चल के वो जीन्स का वो एलील का इनहेरिट वो जो करता है नेक्स्ट जनरेशन पे, हम उसे प्रोबैंड कहते हैं। प्रोबैंड अगर जो पहला इंडिविजुअल जो डिजीज निकल वो मेल होगा तो कहेंगे प्रोपोसिटस, और फीमेल होगा तो कहेंगे प्रोपोसिटा। ह्यूमन के अलावा हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल में भी क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेंगे, सिंबल्स की स्टडी करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है पर्टिकुलर चीजों का, तो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजंस जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर जो स्टडी है वो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। हम कुछ 6 रीजंस देखने वाले हैं। पहला रीजन जो है, सेल ऑफ ह्यूमन आर रिलेटिवली स्मॉल। ह्यूमन का जो सेल है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और रिस्पेक्टिवली जीन भी क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। इस वजह से स्टडी में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ह्यूमन की अगर स्टडी करनी है, पेडिग्री स्टडी करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म वेरी एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, हम प्लांट पे और जैसे अदर एनिमल्स पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से बिना रोक टोक, ह्यूमन के ऊपर ये नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन क्या है, कुछ एथिकल और सोशल इश्यूज से बंधा हुआ है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड रीजन जो है, ड्यू टू ग्रेटर लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का लाइफ स्पैन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो इस ह्यूमन के लाइफ स्पैन की वजह से क्या हो सकता है, लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा पर्टिकुलर ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लो इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। एट अ टाइम क्या हो सकता है, सिंगल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये ट्रेड्स की स्टडी भी क्या हो सकती है, बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ज्यादा वैरायटीज नहीं बनेंगे, ज्यादा इनहेरिटेंस पैटर्न भी आपको वहाँ पे इनहेरिटेंस ठीक से अलग अलग कैरेक्टर्स के विजिबल नहीं हो पाएंगे। फिफ्थ रीजन जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज आर जनरली हेट्रोजाइगस। ज्यादातर हम इंडिविजुअल्स देखते हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो हेट्रोजाइगस होते हैं, और हमें जेनेटिकल स्टडीज के लिए हमें क्या करना होता है, मेंडल का केस आपने पढ़ा था कि होमोजाइगस फॉर्म को स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कम मिलते हैं और हेट्रोजाइगस ज्यादा होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें सेल्फिंग करके होमोजाइगस फॉर्म कर ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने कलर सोशल इश्यूज की बात की थी। इस वजह से यहाँ पे एक फिफ्थ रीजन ये है कि वो होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टडी करना ह्यूमन के ऊपर। सिक्स्थ जो रीजन है, ड्यू टू कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन।
सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक जो पेरेंट है वो दूसरे के साथ ही क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस तरीके से प्लांट और एनिमल में ऐसा नहीं कि किसी और के साथ भी क्रॉसिंग करवा दी हमने, तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन है, साथ ही साथ उसका लॉन्ग लाइफ होता है। इस वजह से पॉसिबल नहीं होता कि आप मल्टीपल जनरेशन उसकी क्या कर सको, स्टडी कर। तो पॉसिबल नहीं है स्टडी मैनी जनरेशन इन ईजी। यहाँ छह रीजन देखें जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमन के अंदर स्टडी करने में, ह्यूमन के अंदर स्टडी करने में प्रॉब्लम आते हैं। ये छह रीजन है। अब आगे चल के हम कुछ स्पेसिफिक रीजन और पढ़ेंगे जो ह्यूमन के लिए क्या है बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे डिजीज या ऐसे ट्रेट्स हैं स्टडीज के लिए हम ह्यूमन को प्रिफर करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है लॉन्गर लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो कुछ ऐसी नॉर्मेलिटीज एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो क्या करती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद क्या करती है अपने को एक्सप्रेस करती हैं। तो ऐसे नॉर्मेलिटीज जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद अपने आप एक्सप्रेशन करेंगे वैसे स्टडीज के लिए आप ह्यूमन को क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन क्या है लॉन्ग है, ठीक है। इस वजह से ऐसे स्टडीज के लिए हम क्या करते हैं ह्यूमन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने देखा है सेकंड ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो डिजीज़ हैं जिसका इनहेरिटेंस हमने देखा हुआ है, तो बहुत सारे डिजीज़ का डिस्कवरी हमने किसके थ्रू किया है, पेडिग्री एनालिसिस करके किया हुआ है बहुत सारे डिजीज़, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे कि हीमोफीलिया कैसे क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में इनहेरिट हुआ। तो पहला केस क्वीन विक्टोरिया के अंदर था। तो पेडिग्री की वजह से हमने बहुत सारे ऐसे डिजीज़ का क्या किया है डिस्कवरी किया हुआ है जो कि इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाता है। तो डिजीज़ टू स्टडी मैनी डिजीजेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया इन सब के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता लगा सकते हो हीमोफीलिया और ये सब क्या है लॉन्ग टर्म में एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। प्लस ये भी है कि आप ह्यूमन के केस में क्या कर सकते हो पेरेंट्स का पता लगा सकते हो कि पेरेंट्स कौन से ऑफस्प्रिंग कौन है। पर अदर ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, ठीक है, जिनकी ब्रीडिंग का कुछ पता नहीं होता डोमेस्टिकेटेड को छोड़ के, तो उनके केस में हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन से उसके पेरेंट्स थे और कौन से उसके पेरेंट नहीं थे, इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ केसेस में हम क्या करते हैं ह्यूमन को यूज़फुल मानते हैं, प्रीफर करते हैं एनालिसिस के लिए, जैसे हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस आईक्यू इन सब के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अब चल के हम देखते हैं कि आप पेडिग्री के कुछ सिम्बल्स, ठीक है, पेडिग्री सिम्बल में जो पहला रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने वो है स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, अनडार्क्ड है, अनडार्क्ड स्क्वायर है, इसमें कोई कलर्ड फील नहीं है। ऐसे जो स्क्वायर होते हैं वो क्या बनाते हैं आपको नॉर्मल मेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर नॉर्मल सर्कल है जिसमें अनडार्कंड है या कलर्ड नहीं है उससे क्या करते हैं आप नॉर्मल फीमेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर डायमंड शेप है जो कि अनहाइलाइटेड है डार्क नहीं है उससे हम सेक्स अनस्पेसिफाइड का क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साथ ही साथ अगर इन तीनों में से कोई भी डार्क कंडीशन में आपको दिखाया गया, मतलब उनको क्या किया गया है डार्क किया गया है कलर्ड किया गया है, तो वो सारे क्या करते हैं डिजीज इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं बताते हैं। जैसे फर्स्ट केस में अपन देखें तो स्क्वायर डार्क है, तो ये डार्क जो स्क्वायर डार्क है ये क्या बताएंगे डिजीज मेल, जो सर्कल है जो डार्क है वो डिजीज फीमेल, और जो लास्ट है यहाँ पे डायमंड शेप का डार्ट है वो क्या बताएंगे आपके अनस्पेसिफाइड डिजीज के बारे में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक मेल और एक फीमेल को अगर जब हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या करते हैं जोड़ते हैं अटैच करते हैं मैटिंग या मैरिज का क्या बताता है रिप्रेजेंटेशन करता है कि उन दोनों के बीच में क्या हो रही शादी हो रही है और वो पेरेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो अगर स्क्वायर या आपका सर्कल दो हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्सिजिनस मैरिज या मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स के बीच में शादी होती है तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ के। थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट में क्या दिया मेल और फीमेल दो की एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हुए हैं जो कि क्या होंगे नॉर्मल पेरेंट हैं, और उसके बाद जो उसके नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन से बच्चे जुड़े हुए दिख रहे हैं एक फीमेल और एक नॉर्मल, वो हैं क्या सिबलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं अपन नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल सिबलिंग का रिप्रेजेंटेशन कर। नेक्स्ट आते हैं एक पेरेंट है, ठीक है, नॉर्मल एक दूसरा पेरेंट है नॉर्मल, दोनों को हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हैं मतलब दोनों के बीच मैटिंग हुई है, और उससे जो रिजल्टेंट बन रहा है वो हाइलाइटेड है, ठीक है, डार्क्ड है, तो इस स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डिजीज्ड मेल। यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल पेरेंट विथ मेल चाइल्ड डिजीज्ड का रिप्रेजेंटेशन। अगर डायमंड शेप के अंदर 5 लिखा हुआ है या कुछ भी नंबर्स लिखे हो सकते हैं वो क्या बताते हैं अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के बारे में बताते हैं अगर वो डार्क नहीं है तो,
ठीक है। और सेक्स कैसा होगा, अनस्पेसिफाइड, क्योंकि डायमंड शेप है ऊपर ही, आपने देखा अनस्पेसिफाइड सेक्स होता है, वो पता नहीं होता उसके बारे में। ये नंबर वेरी कर सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5। तो यहाँ पे जो हमने देखा वो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है जो कि कैसे हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, सर्कल है जिसमें डॉट लगा हुआ है, ये कहलाते हैं कैरियर्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये एक्स लिंक्ड कैरियर्स हैं, तो एक्स लिंक कैरियर का रिप्रेजेंटेशन आप क्या करोगे, सर्कल विथ डॉट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ट्विंस का, ठीक है। ट्विंस दो हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। अगर एक ही जाइगोट का स्प्लिट होके बन रहा है तो मोनोजाइगोटिक, और दो जाइगोट अलग अलग फॉर्म में हो रहे तो डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं और डाइजाइगोटिक को नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब अगर दोनों ऑफस्प्रिंग जब एक साथ जुड़े हुए हैं दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो कंडीशन मोनोजाइगोटिक ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड नहीं है तो वो डाइजाइगोटिक ट्विंस को कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करेंगे, और अगर दोनों ऑफस्प्रिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या है, डायजाइगोटिक ट्विंस हैं। नेक्स्ट सिंबल जो सामने हमारे है कि स्क्वायर कटेड है और सर्कल भी कटेड है, अगर ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो ये डेथ ऑफ इंडिविजुअल और डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के बारे में बताता है, मतलब वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर कटेड है, सर्कल कटेड है, तो डेथ ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं वो दिखाता है क्या, एबॉर्शन और स्टिल बर्थ को। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कवर्ड है और सर्कल भी ब्रैकेट से कवर्ड है तो ये अडॉप्टेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक मेल है और फीमेल है, जो कि क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है, जिस लाइन को हम बोलते हैं रिलेशनशिप लाइन। तो इन दोनों के बीच क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है। उनसे नीचे क्या है, वर्टिकल लाइन आ रहा है, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिसेंट, और लाइन ऑफ डिसेंट से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे एक फीमेल और एक मेल क्या है, जुड़े हुए हैं। ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको लाइन ऑफ डिसेंट कहते हैं, और जो दो बच्चे यहाँ पे बने हुए हैं उनको कहते हैं कि सिबलिंग। सिबलिंग जिस लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको बोलते हैं सिबलिंग लाइन। अब हम देखते हैं कि पेडिग्री में हम दो चीजों का रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंट करना। पहला होता है जनरेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जनरेशन जो होता है वर्टिकल की लाइन में क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, और हर जनरेशन पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो ऑफस्प्रिंग की। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किया है, सेकंड जनरेशन में फिर से फर्स्ट और सेकंड जनरेशन किया। वर्टिकल लाइन जो मैं यहाँ नीचे अब दिखा रहा हूँ वो क्या करता है, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ चाइल्ड का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि दोनों में से पहला चाइल्ड कौन सा है। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट है वो क्या है, पहला चाइल्ड है जो कि बड़ी होगी, और दो सेकेंड है वो क्या है, दूसरा चाइल्ड है। तो अगर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता है, और अगर लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन है जो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके की कैटेगरीज हैं डिजीज की, साइटोप्लाज्मिक, दूसरा होता है सेक्स लिंक, तीसरा होता है ऑटोसोमल डिजीज। साइटोप्लाज्मिक, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल डिजीज हम एक एक करके सबका क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेक्स लिंक जो इनहेरिटेंस होता है, सेक्स लिंक जो डिजीज होता है वो क्या होता है। तो पहले तो ये जाने कि सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है। ह्यूमन के केस में जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम का होता है, जिसमें एक्स एक्स और एक्स वाई आता है। तो हमारे पास दो तरीके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्रोमोजोम हो सकते हैं, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हम देखेंगे कि कुछ जीन्स हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वाई के थ्रू, कुछ जीन्स हो रहे हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक्स के थ्रू। जो वाई के थ्रू ट्रांसमिट होंगे उनको कहेंगे वाई लिंक इनहेरिटेंस, और जो एक्स के थ्रू होंगे उनको कहेंगे एक्स लिंक इनहेरिटेंस। एक्स लिंक इनहेरिटेंस हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न। फिर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोम वो होते हैं ह्यूमन के केस में 23 पेयर में से फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं अगर उनका इनहेरिटेंस हो रहा है तो कहलाता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस भी डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरीके के होते हैं। तो हमें किसी भी पेडिग्री के अंदर टोटल 6 टाइप के डिजीज का क्या करना है, पता लगाना है। पहला होता है साइटोप्लाज्मिक, दूसरा होता है वाई लिंक्ड, तीसरा होता है एक्स लिंक डोमिनेंट, चौथा होता है एक्स लिंक रिसेसिव, पांचवा एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट, और छठवा ऑटोसोमल रिसेसिव। इसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब हम देखते हैं, अगर आपको डिजीज इनहेरिटेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें, जहाँ पे आपको डिजीज
किस तरीके से वर्क करता है आपको पता चलेगा। चलिए पहला देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो डिस्कवर किया था कॉरेंस ने। बेसिकली जो सेल होता है उसके अंदर दो तरीके के जीन्स होते हैं। पहला कैटेगरी ऑफ जीन जो है वो कहलाता है साइटोजीन या प्लाज्मा जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। ऐसे जीन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है उनको हम क्या बोल सकते हैं, साइटोजीन, प्लाज्मा जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन बोल सकते हैं। और अगर इन जीन का इनहेरिटेंस होता है तो कहलाता है क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आगे हम देखते हैं कि जो सम टोटल, जो टोटल जीन प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, हम उनको एक साथ क्या कहते हैं, प्लाज्मोन। और दूसरी कैटेगरी जो जीन की थी वो जीन्स जो कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, जिनको हम क्या कहते हैं, कैरियोजीन बोलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन इन ऑर्गेनिज्म अकर ओनली थ्रू फीमेल्स। हम मानते हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है साइटोजीन का वो ज्यादातर किसके थ्रू होता है, फीमेल के थ्रू होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि जो एग होता है उसका साइज बड़ा होता है और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का वो एग के थ्रू होता है। अगर केस हम देखें तो फीमेल क्या होता है, कैरियोजीन के साथ साथ साइटोजीन भी क्या करती है, इनहेरिट करती है। पर मेल गैमेट इन हायर प्लांट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मेल गैमेट जो हायर प्लांट में होते हैं उनके पास बहुत ही माइनर अमाउंट, नील अमाउंट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन वो किसका करते हैं, कैरियोजीन का। और बहुत माइनर अमाउंट में, नील अमाउंट में क्या करते हैं, वो साइटोजीन का कैरियर क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। इस वजह से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फीमेल का था, इसलिए फीमेल के थ्रू ही यहाँ पे क्या होगा, इनहेरिटेंस होने वाला है। इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस बोल। साइटोजीन जो है ज्यादातर अपने सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनल से जहाँ पे साइटोजीन प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में लीफ कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, एल्बिनिज्म इन प्लांट जो होता है वो इनके थ्रू इनहेरिट होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उनके थ्रू इनहेरिट होता है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन होता है जैसे मेलस्ट्रेलिटी इन मेज, पेटाइट फॉर्म ऑफ फिस्ट, इनके थ्रू इनहेरिट होता है। कि डिटेल ट्रांसमिशन की स्टडी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपके सामने एक पेडिग्री दिया हुआ है। इस पेडिग्री में आप देखेंगे तीन जनरेशन है, मेंशन करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप क्या कर, वर्टिकल कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जनरेशन मेंटेन करते हो, और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आप उस जनरेशन के नंबर मेंशन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में फीमेल जो है वो डिजीज्ड है, और डिजीज फीमेल के जो जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो डिजीज हो रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन में आप देखिए फर्स्ट मेल डिजीज है, सेकंड फीमेल डिजीज है, थर्ड फिर से मेल डिजीज है, और फोर्थ फिर से फीमेल डिजीज। थर्ड जनरेशन आपको देखना है कि जो सेकंड जनरेशन की फर्स्ट मेल है वो नॉर्मल फीमेल से मैरिज कर रहा है, तो सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, उनके नॉर्मल हो रहे हैं। सेकंड जनरेशन का आप सेकंड देखेंगे तो फीमेल डिजीज्ड है और मेल नॉर्मल है, तो वापस से सारे बच्चे उनके डिजीज्ड हो रहे हैं। और थर्ड देखेंगे कि मेल डिजीज्ड है और फीमेल नॉर्मल है, तो फिर से बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। फोर्थ में आप देखेंगे फीमेल डिजीज है, नॉर्मल मेल से शादी करती है, तो फिर से सारे बच्चे डिजीज है। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम, कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि जब भी फीमेल डिजीज हो रही है सारे बच्चे डिजीज हो रही है, फीमेल जब भी नॉर्मल हो रही है सारे बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि आपने ऊपर ही पढ़ा था कि इनहेरिटेंस कैसा कहलाएगा, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो पेडिग्री सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको बस देखना है कि फीमेल डिजीज्ड और सारे बच्चे डिजीज हैं विदाउट एक्सेप्शन, तो ये क्या कहलाएगा, आप इजीली पता लगा सकते हो कैसा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस। वाई लिंकेज, अ कंडीशन इज कंसिडर्ड वाई लिंक्ड इफ म्यूटेटेड जीन दैट कॉज द डिसऑर्डर इज प्रेजेंट ऑन वाई। अगर जीन जो है म्यूटेटेड है और वाई पे प्रेजेंट है और उसके थ्रू क्या हो रहा है, डिजीज इनहेरिटेंस हो रहा है, तो वाई लिंक डिजीज कहलाता है। जीन ऑफ सम सोमेटिक कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, द इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर इज कॉल्ड होलेंड्रिक कैरेक्टर। तो ऐसे जीन या ऐसे सोमेटिक कैरेक्टर जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, होलेंड्रिक कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिशन जो होता है वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आपको पता है मेल के अंदर ही वाई क्रोमोसोम होता है और मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जीन विच फॉर्म्स टीडीएफ और एसआरवाई जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो वाई पे है, तो जिस भी गैमेट के साथ वाई फ्यूज होता है वो मेल बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो हाइपर ट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर पिनना, कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी लोगों के कान पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो ये हाइपर ट्राइकोसिस कंडीशन कहलाता है। उसका जीन भी कहाँ होता है, मेल पे, फीमेल के अंदर ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, ज्यादातर मेल के अंदर ही एक हाइपर ट्राइकोसिस देखने को मिलेगा। जीन विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑन एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज होलेंड्रिक जीन। तो वाई लिंक भी पहचानना बहुत आसान है,
जैसे एक सामने आपकी पेडिग्री दी हुई है, पेडिग्री में आप देखिए तीन जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट मेल जो है वो डिजीज है, अब आप देखिए सेकंड जनरेशन में उसके सारे मेल ऑफस्प्रिंग जो आ रहे हैं वो डिजीज्ड आ रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर देखिए थर्ड जनरेशन, आप देखिए जो सेकंड जनरेशन का फर्स्ट मेल था जो डिजीज था, नॉर्मल फीमेल से शादी कर रहे हैं, उनके दोनों बच्चे जो मेल है वो डिजीज्ड आ रहे हैं। सेकंड जनरेशन का आप थर्ड देखिए, जो फीमेल थी वो नॉर्मल थी और नॉर्मल मेल से शादी कर रही है, वापस उसके जो मेल चाइल्ड बन रहे हैं वो वापस से कैसे बन रहे हैं, नॉर्मल बन रहे हैं। सेकंड जनरेशन का थर्ड फोर्थ वाला देखिए, जो मेल डिजीज्ड है नॉर्मल फीमेल से शादी कर रहा है, उसके दो बच्चे और एक फीमेल और एक मेल हो रहा है, तो वापस से फीमेल नॉर्मल हो रही है और मेल डिजीज्ड हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक सीक्वेंस दिख रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज था, फिर से सेकंड जनरेशन में मेल डिजीज्ड आए, उसके फिर से जो सेकंड जनरेशन के मेल डिजीज थे उनके बच्चे फिर से मेल जो ऑफस्प्रिंग थे वो डिजीज्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या दिख रहा है, मेल टू ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वाई लिंक क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न है या डिजीज जो है वाई लिंक डिजीज। तो एक जो वाई लिंकेज पहचानना और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पहचानना बहुत ईजी है, ज्यादातर प्रॉब्लम होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट और एक्सलिंग रेसेसिव में। आगे चल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड इज इक्वली इनहेरिटेड बाय मेल एंड फीमेल। अब ऑटोसोम क्या है, ऑटोसोम्स एनी क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोम। और इस पे जो जीन्स होंगे इस क्रोमोसोम पे, उन सारे जीन्स को हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल जीन। और अगर इनका इनहेरिटेंस इस क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है, इस जीन के थ्रू हो रहा है, तो कहलाएगा क्या, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमन के केस में आप देखेंगे तो 23 पेयर ऑफ जीन होता है, जिसमें फर्स्ट से लेकर 22nd पेयर तक क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है, एंड लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहलाता है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है कि इफ अ जीन ऑफ एनी ऑटोसोम हैविंग अ सिंगल म्यूटेटेड कॉपी ऑफ एलील ऑफ अ जीन इन ईच सेल इज इनफ टू कॉज डिजीज। डोमिनेंट के केस में क्या होगा कि अगर उसके पास एक भी कॉपी है, ठीक है, म्यूटेटेड जीन की डोमिनेंट, तो क्या कहलाएगा वो, आपका डिजीज कॉज करेगा, तो वो कहलाएगा क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकंड होता है हमारा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। बोथ कॉपीज ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन इन अ सेल इज म्यूटेटेड टू कॉज डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव तभी होता है जब दोनों जीन जो एलील होते हैं सेम जीन के वो म्यूटेटेड हो जाएं और फिर डिजीज हो, तो कहलाता है क्या, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास क्या, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट डिटरमाइंड बाय जीन लोकेटेड ऑन वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। अगर ऐसे जीन जो क्या है सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, एलोसोम पे हैं, उनके थ्रू अगर इनहेरिट हो रहा है तो कहलाएगा क्या, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसमें फर्स्ट देखते हैं एक्स लिंक डिजीज, द जीन इनहेरिटेड थ्रू एक्स क्रोमोसोम। ऐसे जीन जो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोसोम पे और उनके थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, एक्स लिंक डिजीज। एक्स लिंक डिजीज कैन बी डोमिनेंट डिजीज और कैन बी रिसेसिव। डोमिनेंट कब होगा देखते हैं, डोमिनेंट डिजीज कब होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस रिफर्स टू जेनेटिक कंडीशन एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन इन जीन और द एक्स क्रोमोसोम। अ सिंगल कॉपी ऑफ द म्यूटेशन इज इनफ टू कॉज डिजीज इन बोथ मेल एंड फीमेल। एक्स लिंक डोमिनेंट, जैसे कि आपने देखा था ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में था कि अगर एक भी सिंगल एलील म्यूटेटेड है वहां पे जो कि डोमिनेंट है, अगर उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, तो एक्स लिंक डोमिनेंट है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर आर आल्सो कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल। वन अल्टर्ड कॉपी ऑफ द जीन इन इच सेल इज सफिशियंट टू कॉज द कंडीशन। अगर मेल की बात करें रिसेसिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक एलील भी अगर मॉडिफाइड है, म्यूटेटेड है, तो वो क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है डिजीज। इन केस ऑफ फीमेल अ म्यूटेशन वुड हैव टू अकर इन बोथ कॉपीज ऑफ एलील ऑफ अ जीन टू कॉज डिसऑर्डर। सिमिलर था जैसे ऑटोसोम में आपने पढ़ा था कि ऑटोसोम डोमिनेंट के अंदर अगर एक भी कॉपी म्यूटेटेड है तो वो डिजीज कॉज करने के लिए सफिशियंट है, और रिसेसिव के अंदर दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, तो वो डिजीज कॉज करेगा। वैसे एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में हम देख रहे हैं कि अगर एक भी क्या है वहां पे एलील क्या है म्यूटेटेड है, तो डिजीज कॉज कर सकता है मेल और फीमेल में। वहीं अगर रेसेसिव केस देखेंगे एक्सलिंग रेसेसिव, तो उसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों एलील क्या होने चाहिए, म्यूटेटेड होने चाहिए इन केस ऑफ फीमेल, और उनमें से अगर एक भी एलील म्यूटेटेड है वाई क्रोमोसोम में इन केस ऑफ मेल, क्योंकि हेमीजाइगस होता है मेल, तो उस केस में क्या होता है, एक सिंगल म्यूटेटेड एलील भी क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर क्या होगा, दोनों एलील क्या होने चाहिए, म्यूटेटेड होने चाहिए डिजीज कॉज करने के लिए। तो ये कुछ
कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि सेक्सलिंग इनहेरिटेंस में डोमिनेंट कब कंसीडर हो सकता है, किस कंडीशन में, रिसेसिव कब कंसीडर हो सकता है किस कंडीशन में, और ऑटोसोमल कंडीशन में क्या होता है। वाइलिंग्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, वाइलिंग्ड स्टडी हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे कुछ जीनोटाइप्स की, सेक्सलिंग के लिए, ऑटोसोमल के लिए क्या जीनोटाइप होंगे, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो क्या जीनोटाइप मेंशन करने हैं, और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो क्या जीनोटाइप मेंशन करने हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे जीनोटाइप कंडीशंस को वन बाय वन। तो हम देखते हैं पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में अगर देखें तो ऑटोसोमल के केस में आपने जैसे सिंबल्स पढ़ा था, अगर मेल है तो आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स से बना सकते हैं नॉर्मल बॉक्स। अगर डिजीज मेल है तो आप किससे बनाएंगे, कलर्ड बॉक्स बनाएंगे। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है और आपका मेल कैसा है, डिजीज्ड है, तो हम उस कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं, हेटरोजाइगस ए भी लिख सकते हैं और होमोजाइगस ए भी लिख सकते हैं। ये इसके डिजीज कंडीशन को क्या करेगा, शो करेगा। अगर मेल नॉर्मल है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए। वैसे फीमेल अगर है तो फीमेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेम जीनोटाइप। अगर फीमेल सेम है तो जैसा मेल था डिजीज्ड वैसा ही कंडीशन होगा फीमेल के लिए भी, हेटरोजाइगस ए और होमोजाइगस ए। और अगर फीमेल नॉर्मल है तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल ए कंडीशन, सेम है ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में कोई भी कैरियर नहीं होता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए, ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए अगर मेल कैसा है, डिजीज है, तो क्या लिखना पड़ेगा, जीनोटाइप आपका स्मॉल ए। और अगर मेल नॉर्मल है तो हो सकता है क्या, हेटरोजाइगस ए या होमोजाइगस ए। वैसे फीमेल अगर कैसी है, डिजीज है, तो आप लिख सकते हैं क्या, स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल में यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और अगर फीमेल नॉर्मल है तो आप लिख सकते हैं क्या, उसके लिए हेटरोजाइगस ए और क्या हो सकता है, होमोजाइगस। अगर कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैरियर हो सकता है, मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैपिटल है स्मॉल है। तो ये जीनोटाइप कंडीशंस थे किसके लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए और ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए। अब हम कंपेयर करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट को और एक्स लिंक रेसेसिव को। एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में अगर हम देखें कि फीमेल कैसी है, डिजीज है, तो अगर फीमेल डिजीज है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी यानी हेटरोजाइगस कंडीशन, और एक्स कैपिटल डी होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट है अगर। तो अगर फीमेल नॉर्मल है तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। और अगर फीमेल कैरियर है तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला था डोमिनेंट के केस में कैरियर नहीं होते, तो यहाँ पे भी कैरियर नहीं होगी। मेल अगर कैसा है, नॉर्मल है, मेल अगर नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल के केस में हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्मॉल डी वाई। और मेल अगर डिजीज्ड है तो हम लिखेंगे क्या, एक्स कैपिटल डी वाई। ये किसका कंपैरिजन था, एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में क्या क्या जीनोटाइप हम लिख सकते हैं, अगर फीमेल डिजीज है तो क्या लिखेंगे, फीमेल नॉर्मल है तो क्या लिखेंगे, फीमेल कैरियर यहाँ हो नहीं सकती, मेल भी कैरियर नहीं हो सकता, मेल अगर नॉर्मल है तो कैसा होगा और मेल अगर डिजीज है तो कैसा होगा। आते हैं एक्स लिंक रेसेसिव की तरफ। अगर फीमेल डिजीज है तो हम कंडीशन लिखते हैं क्या, एक्स स्मॉल डी, दोनों यहाँ रेसेसिव एलील होंगी तो डिजीज कॉज करेगा। अगर फीमेल नॉर्मल है तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी हेटरोजाइगस कंडीशन, या एक्स कैपिटल डी होमोजाइगस कंडीशन, दोनों नॉर्मल को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे फीमेल कैरियर हो सकती है तो एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी जो होगा वो कैरियर भी है और नॉर्मल भी है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल और कैरियर दोनों एक ही टाइप के जीनोटाइप आपको शो कर रहे हैं। और अगर मेल को देखें तो अगर मेल कैसा है, नॉर्मल है, तो मेल नॉर्मल के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स कैपिटल डी वाई। और अगर मेल डिजीज्ड है तो लिखेंगे एक्स स्मॉल डी वाई। तो ये जीनोटाइप की कंडीशंस थे कि जीनोटाइप से आप कैसे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को। जैसे कि मैंने वीडियो लेक्चर के इनिशियल में ही बोला था कि मैं प्रीफर करता हूँ जीनोटाइप बेस्ड पे, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि मैं अभी आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा जिसमें क्या होगा, शॉर्टकट मेथड फॉलो नहीं होते। शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड्स भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजीली शॉर्टकट्स के मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। उससे पहले आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम दिए हुए हैं, आपकी ऑटोसोमल डिजीज है तो उनके क्या नाम है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के कुछ नेम से है, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट के, एक्स लिंक रिसेसिव के, और साथ ही साथ ह्यूमन के कुछ कैरेक्टर्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एम्स और नीट में पूछे जा चुके हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हुए जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ह्यूमन का कैरेक्टर डोमिनेंट या रेसिसिव है। तो लिस्ट ऑफ डिजीज मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है, तो ये लिस्ट ऑफ डिजीज भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखते हैं शॉर्टकट्स टेक्निक। शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो आपको सबसे पहले जो पेडिग्री दिया होता है उस पेडिग्री में आपको देखना होता है कि चेक अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। आपको क्या करना है, आपको हर जनरेशन में देखना है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं कि नहीं है। आपको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मिलती है कि हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्किपिंग, और है तो नो स्किपिंग। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो पेडिग्री
है, उसमें स्कीपिंग है यानी कि जनरेशन में गैप है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट केस बनता है कि मान लीजिए आप क्या है उसमें स्कीपिंग है, जनरेशन गैप है, तो अगर किसी भी पेडिग्री के अंदर आप क्या करते हैं जनरेशन गैप देखते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो कैसा है, रेसेसिव पेडिग्री है। अब रेसेसिव देखने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आ जाते हैं कि वो क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आप देखें सारे जनरेशन में कि डिजीज है कि नहीं है, सारे जनरेशन में डिजीज है तो नो स्कीपिंग, अगर कहीं एक भी जगह क्या हुआ है डिजीज नहीं है तो स्कीपिंग है तो डिजीज कैसा है, रेसेसिव, अगर नो स्कीपिंग है तो डिजीज होगा क्या, डोमिनेंट। अगर रेसेसिव है तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं कि या तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है या वो क्या हो सकता है, एक्स लिंक रेसेसिव भी हो सकता है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव कैसे पहचाने, आप देखिए कि अगर जनरेशन में इक्वली अमाउंट पे क्या है मेल या फीमेल डिजीज्ड है, फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि क्या है मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट पे डिजीज है किसी भी जनरेशन पे, तो हम वहां पे क्या कंसिडर करेंगे कि ये कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। कैसा, अगर सन और डॉटर इक्वल अमाउंट पे डिजीज आ रहे हैं, मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट पे डिजीज आ रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे कैसा होगा पेडिग्री, ऑटोसोमल रेसेसिव। पर अगर आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न दिख रहे हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है कि पहले तो क्या था फादर डिजीज था, फिर उससे क्या हुई डॉटर डिजीज हुई, या इनिशियली क्या था मदर डिजीज था उससे सन डिजीज हुआ, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑपोजिट सेक्स के थ्रू अगर हो रहा है तो कि फर्स्ट जनरेशन में फादर डिजीज था सेकंड जनरेशन में डॉटर डिजीज आ रही है, या फर्स्ट जनरेशन में मदर डिजीज था सेकंड जनरेशन में सन डिजीज आ रहा है, अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप वहां पे क्या देख सकते हो कि ये कैसा डिजीज है, ये है एक्स लिंक रे। अगर दोनों मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट पे डिजीज है तो रेसेसिव है, और अगर क्या हो रहा है अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्रिस क्रॉस। दूसरा कंडीशन था कि अगर नो स्कीपिंग दिख रहा है तो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट आते ही आपके पास फिर से दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो डोमिनेंट हो सकता था, ठीक है, ऑटोसोमल, या हो सकता था डोमिनेंट कैसा, एक्स लिंक्ड। तो फिर से वही चीज है कि अगर आपको मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट पे डिजीज दिख रहे हैं जनरेशन में, मेल एंड फीमेल या सन या डॉटर इक्वल अमाउंट पे डिजीज आ रहे हैं, तो वो कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। और अगर फिर से आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, मतलब फादर डिजीज थे फिर डॉटर डिजीज हो रहा है, मदर डिजीज थी फिर सन डिजीज हो रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, तो ये कैसा होगा आपका, एक्स लिंक डोमिनेंट, यानी कि सिंपली क्रिस क्रॉस होगा तो क्या हो सकता है, एक्स लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रेसेसिव हो सकता है, और अगर बोथ इक्वल अमाउंट पे डिजीज आ रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो स्कीपिंग कर रहा है स्कीपिंग नहीं कर रहा है। तो ये थे शॉर्टकट मेथड जिससे आप क्या कर सकते हो पेडिग्री पता लगा सकते हो, पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं पेडिग्री सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज करूंगा, जीनोटाइपिक बेस्ड मेथड का, कि जीनोटाइप रख रख के हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे एक एक करके, कि हम पहले सपोज करेंगे कि कौन सा डिजीज है नहीं है, जीनोटाइप को फुलफिल करेंगे, क्यों, कुछ रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं, कि आपके पास जो टेस्ट होता है या जो क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं उसमें आपसे जनरेशन के जीनोटाइप भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जनरेशन के जीनोटाइप, मदर के जीनोटाइप, फादर के जीनोटाइप या उनके ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप भी पूछे जाते हैं, तो हालांकि आपको जीनोटाइप निकालना ही पड़ेगा। फिर डिजीज निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि शॉर्टकट्स हर जगह फॉलो नहीं होते हैं, तो ये शॉर्टकट्स कैसे फॉलो नहीं होंगे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फर्स्ट एग्जांपल करके एक्सप्लेन करूंगा कि वो डिजीज है कि नहीं, कैसा होगा अगर डिजीज है, क्यों नहीं मान रहा हूं मैं, कि क्यों आपको बोल रहा हूं कि आपको कैसे फॉलो करना है, आपको जीनोटाइपिक बेस्ड मेथड को फॉलो करना है जो कि एक्यूरेट आंसर देगा। शॉर्टकट वो क्या करता है, एक्यूरेसी आपको नहीं देता है, पर जीनोटाइपिक बेस्ड से आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सारे पेडिग्री। तो हम उस जीनोटाइपिक मेथड के थ्रू क्या करें, अब आपके सामने एक पेडिग्री है, आपके सामने मैंने एक पेडिग्री शो किया हुआ है, ठीक है, इस पेडिग्री को आप देखें। अगर मैं शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू जाता हूं तो मैं पहले जनरेशन पुट कर देता हूं, ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन। शॉर्टकट मेथड के थ्रू देखूं तो मैं यहां पे क्या हो रहा है, हर जनरेशन में डिजीज दिख रहा है, मतलब स्कीपिंग नहीं है, और स्कीपिंग नहीं है तो एक तरीके से क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। पर अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा इसको, जीनोटाइपिक बेस्ड मेथड से सॉल्व करूंगा, इसे बाकी तरीके के क्या होंगे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं, जैसे जीनोटाइपिक बेस्ड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं कि कौन से जनरेशन में कौन सा बच्चा किस टाइप का जीनोटाइप है, इसके अलावा आपको पैटर्न निकालने भी आसानी हो जाएगी कि ऑटोसोमल रेसेसिव या डोमिनेंट है। चलिए चेक करते हैं, अगर मैं पहले कंसीडर करूं कि ये कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, उसके हिसाब से फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट है मेल, उसके लिए मैं जीनोटाइप क्या लिख सकता हूं ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल है, तो मैं हेटरोजाइगस या होमोजाइगस लिख सकता हूं। फिर मैं देखूं कि अगर फीमेल डिजीज्ड है तो आपको पता है कि क्या लिखना है, स्मॉल है स्मॉल है। अगर मैं देखूं फर्स्ट केस के साथ तो मेरे पास क्या बनता है, हेटरोजाइगस और स्मॉल स्मॉल बनता है, मतलब नॉर्मल और डिजीज दोनों बनते हैं। पर अगर होमोजाइगस मैं मानता हूं अगर फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट को मेल को, तो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉर्मल बनेंगे, पर नीचे देखूं तो नॉर्मल डिजीज दोनों बने, इसलिए फर्स्ट जनरेशन का जो मेल हो सकता है वो होमोजाइगस नहीं हो सकता,
हेटरोजाइगस होगा। तो आप देखेंगे कि हेटरोजाइगस होगा तो नॉर्मल डिजीज दोनों बन रहा है, तो सेकंड जनरेशन को जो पहला फीमेल है वो डिजीज हेटरोजाइगस हो सकता है। सेकंड नॉर्मल जो है वो कैसा हो सकता है, पहला जो डिजीज है वो स्मॉल स्मॉल हो सकता है, दूसरा जो मेल नॉर्मल वो हेटरोजाइगस हो सकता है, थर्ड जो फीमेल नॉर्मल हेटरोजाइगस हो सकता है, फोर्थ जो फीमेल है मेल है वो कैसा हो सकता है, वो डिजीज हो सकता है स्मॉल स्मॉल है। तो मैं देखूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि पेडिग्री क्या हो रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हमने आप शॉर्टकट मेथड से ही देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव भी आ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में हेटरोजाइगस अगर मानते हैं इसको और स्मॉल स्मॉल डिजीज मानते हैं तो उससे मेल और नॉर्मल डिजीज दोनों बन रहे हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव तो है। सेकंड देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में फर्स्ट जनरेशन का मेल जो होगा नॉर्मल है तो स्मॉल स्मॉल है, और फीमेल डिजीज है तो हेटरोजाइगस, फिर से यहाँ नॉर्मल डिजीज बनते हैं तो सेकंड जनरेशन फुलफिल रहे होते, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पेडिग्री के जो शॉर्टकट्स मेथड है वो क्या है, हर जगह एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो रही है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है। अगर मैं शॉर्टकट मेथड को देखता हूं तो सिर्फ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसीलिए मैं फर्स्ट में ही बताया था कि पेडिग्री को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, जीनोटिपिक बेस्ड मेथड से सॉल्व करूं जो कि एक्यूरेट आंसर आपको देती है। अब इसके ऑप्शंस में आप देखो कि पहला ऑप्शन दिया था ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा दिया था ऑटोसोमल डोमिनेंट, तीसरा दिया था ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, और चौथा ऑप्शन दिया था कि नन ऑफ दिस। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव बोथ आ रहा है। अगर शॉर्टकट के मेथड के थ्रू जाता हूं सिर्फ ऑटोसोमल डोमिनेंट ही टिक करता मैं, इस तरीके मैं फॉलो करता हूं किस लिए, जीनोटिपिक बेस्ड मेथड को। इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा आपकी, आप भी जीनोटिपिक बेस्ड मेथड से ही क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। और आगे का जो सेक्शन है, ठीक है, हम बहुत सारे पेडिग्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक शेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच, जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड और बूस्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा मेन फोकस 15 इयर्स के नीट AIPMT एम्स में आए हुए क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस टेक्निक्स पे होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपका सपोर्ट एंड कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड कमेंट। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे सामने हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग का सिंबल्स इज यूज्ड फॉर मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कंसेंजीनियस मैरिज या कंसेंजीनियस मैटिंग। तो दिस पेडिग्री इज सिंबल बेस्ड, अगर आपको सिंबल के रिप्रेजेंटेशंस के बारे में नहीं पता है तो ऊपर दिए गए लिंक या आई बटन पे क्लिक करें और आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक या आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब आपके सामने सिंबल डिस्प्ले करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डायमंड शेप के अंदर 5 लिखा है। डायमंड शेप यहां पे सेक्स अनस्पेसिफाइड को रिप्रेजेंट करता है और नंबर को। सो यहां पे जो सिंबल है वो 5 सेक्स अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि क्वेश्चंस में सिंबल मैटिंग बिटवीन रिलेटिव का पूछा है, इसलिए ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में नॉर्मल मेल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉर्मल फीमेल से कनेक्टेड है, ये मैटिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में नॉर्मल मेल दो हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉर्मल फीमेल से कनेक्टेड है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स और कॉन्सिजनियस मैरिज, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। और फोर्थ के लिए अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में नॉर्मल मेल हॉरिजॉन्टल लाइन से फीमेल से कनेक्टेड है, वर्टिकली उससे डिजीज्ड मेल कनेक्टेड है जो कि ऑफस्प्रिंग है, ये सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल पेरेंट्स हैविंग डिजीज मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन अ फैमिली, इन दिस द आरबीसी ऑफ बोथ पेरेंट्स विल बी नॉर्मल सिकल शेप्ड, बोथ नॉर्मल एंड सिकल शेप्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में सिकल सेल एनीमिया दिया है जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और पूछ रहा है कि दोनों पेरेंट्स का ब्लड कैसा होगा। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलिए डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, सिकल सेल जो एनीमिया कंडीशंस है उसमें कौन सा जीनोटाइप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला HBS, HPS जो है वो डिजीज या सिकल सेल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, HBS, HPA जो कि हेटरोजाइगस और कैरियर जिसमें बोथ सिकल सेल एंड नॉर्मल सेल जो होंगे बॉडी के अंदर होंगे, और थर्ड कंडीशन है HBA, HPA एकदम कंप्लीटली नॉर्मल कंडीशन, इसमें नॉर्मल ब्लड जो होंगे बाइकॉनकेव शेप के होंगे।
अगर आपको जीनोटाइप किसी कंडीशन में क्या मेंशन करते हैं नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए जनरेशन मेंशन करते हैं। वर्टिकली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन एंड हॉरिजॉन्टली नंबर मेंशन करता हूं 1, 2। सेकंड जनरेशन में 1, 2, 3, 4 और फिर से मैटिंग के थ्रू थर्ड जनरेशन में 1, 2, 3। यहाँ पेडिग्री में दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं। अगर वो होमोजाइगस नॉर्मल यानी कि HBHBA होते तो कोई भी ऑफस्प्रिंग डिजीज नहीं होता, पर कुछ ऑफस्प्रिंग डिजीज आ रहे हैं इसलिए उनका नॉर्मल RBC नहीं है, तो यहाँ पे HBHBA कंडीशन नहीं हो सकता। अगर हम सेकंड कंडीशन ट्राई करें कि HBA HBS होता है तो दोनों नॉर्मल भी हो सकते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे हो सकते हैं, डिजीज्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तो पॉसिबल है। वैसे अगर सेकंड जनरेशन का थर्ड नॉर्मल फीमेल जब नॉर्मल मेल से मैरिज कर रहा है तो फिर कुछ डिजीज मतलब वो फिर हेट्रोजाइगस हैं। यहाँ पे पेरेंट का पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मल सेल तो नहीं है उनके पास। सेकंड शिकल सेल भी नहीं हो सकता, नहीं तो डिजीज मेंशन किया होता, डार्क होते सर्कल और स्क्वायर। थर्ड करेक्ट है क्योंकि वो नॉर्मल भी है और उनके अंदर दोनों टाइप के क्या होंगे, शेप ऑफ RBCs होंगे, नॉर्मल एंड शिकल शेप। और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हम यहाँ पता लगा पा रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अ पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर डिजीज दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो पेडिग्री दिया हुआ है, इस पेडिग्री में पहले तो जनरेशन मेंशन कर लेते हैं, ऑलरेडी मेंशन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। अब इस दिया गया है कि पेडिग्री तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल क्लेरिफाई किया है तो हमें इसको सेल पता करने की जरूरत नहीं है पेडिग्री कैसा है, तो पेडिग्री दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन हो सकते हैं उन पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो। अगेन आपको जीनोटाइप कंडीशंस नहीं पता है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैंने डिटेल्स क्या किया, स्टडी कर पाया। अब यहाँ क्योंकि ये कैसा है, रेसेसिव है और रेसेसिव के केस में जो नॉर्मल हो सकते हैं वो तो क्या हो सकते हैं, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर फर्स्ट केस देखें कि दोनों मान लीजिए होमोजाइगस क्या होते हैं, नॉर्मल होते तो सारे बच्चे नॉर्मल आने चाहिए थे जबकि सेकंड जनरेशन में एक मेल डिजीज आ रहा है, इसलिए ये दोनों नॉर्मल होमोजाइगस नहीं हो सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस होंगे तब जाके एक डिजीज मेल या नॉर्मल कंडीशन डिजीज भी आ सकता है, मतलब नॉर्मल भी बन सकते हैं और डिजीज भी बन सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में मैं अगर देखूं फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है वो सिर्फ नॉर्मल ही बनाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये क्या बनाएगा, डिजीज नॉर्मल दोनों बना रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड में पॉसिबल है कि ये क्या बना सकता है, नॉर्मल और डिजीज दोनों बना सकता है, और थर्ड में फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ डिजीज बनाएगा। तो यहाँ पूछा है फर्स्ट जनरेशन का, तो फर्स्ट जनरेशन का ये हेट्रोजाइगस हो सकता है, थर्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एक डिजीज है और हमारा यहाँ पे दोनों पेरेंट कैसे नॉर्मल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो एम्स 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विद 5 चिल्ड्रन, इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स एज अपोज्ड टू द फ्री वंस, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल द फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, मेंशन किया है कि एक पेडिग्री दिया हुआ है, उस पेडिग्री के अंदर एक क्या है, ईयर लोब्स है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते, आई बटन पे चेक कर सकते हैं। मैंने मेल से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन थे या जो भी ऑटोजोम से कंट्रोल्ड कंडीशंस थे ह्यूमन के अंदर वो मैंने आपको क्या किया था, ऑटोसोमल जीन से कंट्रोल कंडीशन थे जो ह्यूमन के अंदर वो मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया था, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। फिर भी मैं यहां पे आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां क्वेश्चन पे पूछा है पेरेंट्स हैं, ठीक है, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल, तो यहाँ पे पूछ रहे पेडिग्री चार्ट के फैमिली के अंदर 5 चिल्ड्रन हैं, इनहेरिटेंस अटैच्ड ईयर लोब्स आर अपोज्ड टू फ्री वंस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री जो होता है वो डोमिनेंट नेचर का होता है और फ्यूज्ड ईयर लोब्स जो होते हैं वो रेसेसिव, मतलब ईयर लोब अगर जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा क्या, रेसेसिव कंडीशन, और ईयर लोब अगर फ्री है तो वह है डोमिनेंट कंडीशन। अब ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्रॉन इज करेक्ट, पेडिग्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं तो वो हमें पता करना है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये पेडिग्री क्या है, एक रेसेसिव पेडिग्री है और हमें पता करना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्रॉन करेक्ट, कि इस पेडिग्री सॉल्व करने के बाद मुझे कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन कैसा है। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि पेडिग्री है कैसा, ये पेडिग्री कैसा है, रेसेसिव पेडिग्री है। रेसेसिव पेडिग्री किस तरीके से है, जनरेशन गैप दिख रहा है आपको, अगर पेडिग्री रेसेसिव है और फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन पुट अप करते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन के दोनों मेल और फीमेल नॉर्मल
हैं। मेल और फीमेल अगर नॉर्मल हैं तो रेसेसिव पेडिग्री के अंदर जो कंडीशंस हमारे लिए बनते हैं वो हो सकते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या आप कोई भी सिंबल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो मान लेते हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट जो हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस फ्री डोमिनेंट वाले हैं, ठीक है, फ्री ईयर लोब्स हैं डोमिनेंट वाले, और अगर दोनों होमोजाइगस हैं तो इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बेटा, इनसे सिर्फ और सिर्फ बनेगा फ्री डोमिनेंट, ठीक है, ईयर लोब्स वाले। पर आप देखोगे तो सेकंड जनरेशन में यहाँ कुछ हैं जिनके फ्यूज्ड ईयर भी आ रहे हैं, मतलब पेरेंट यहाँ पे जो हो सकता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता। हेट्रो अगेन दूसरा जो पॉसिबिलिटीज है मेरे नॉर्मल कंडीशन के लिए हो सकता है हेट्रोजाइगस। अगर दो बोथ पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती है नॉर्मल और डिजीज्ड, या फ्री ईयर लोब के साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्यूज्ड ईयर लोब्स बन सकते हैं। तो पेरेंट यहाँ पे कैसा हो सकता है बेटा, हेट्रोजाइगस हो सकता है, तब यहाँ पे कुछ नॉर्मल फ्री डोमिनेंट ईयर लोब्स वाले बन सकते हैं और कुछ डिजीज्ड फ्यूज्ड ईयर लोब्स वाले बन सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो पेरेंट आर होमोजाइगस रेसेसिव। अगर पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव होता तो दोनों का दोनों यहाँ कैसे दिखाते, अटैच्ड लोब के लिए डार्क होते, मतलब कलर्ड होते, तो यहाँ ना ही फीमेल कलर्ड है, ना ही सर्कल यहाँ पे डार्क है, ना ही स्क्वायर डार्क है, इसलिए फर्स्ट तो हो नहीं सकता कि होमोजाइगस रेसेसिव होते तो दोनों को डार्क होना चाहिए था। ट्रेट वाई लिंक्ड है, अगर ट्रेट वाई लिंक्ड होता तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि ट्रेट वाई लिंक्ड जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ वाई के थ्रू पास होता है, पर यहाँ पे देखिए जनरेशन पे वाई में डिजीज नहीं था, फिर भी वाई पे मतलब मेल में डिजीज नहीं था, फिर भी मेल पे डिजीज आ रहा है, तो ये किसी तरीके से वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके वीडियो के साथ डिटेल स्टडी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। अभी हमने देखा था कि पेरेंट अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो सारे ऑफस्प्रिंग उसके कैसे बनते, होमोजाइगस डोमिनेंट, जो कि फ्री ईयर लोब वाले होते, पर यहाँ कुछ फ्यूज बन रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस बोला है और हेट्रोजाइगस से हमने देखा कि पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ फ्यूज ईयर वाले बन सकते हैं और कुछ फ्री ईयर वाले बन सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है फोर्थ, द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो भी एम्स 2005 में पूछा गया है। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टन सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमंस, ठीक है, तो एक पेडिग्री दिया है। सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है, वर्टिकली, और ओरिजेंटली हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये नंबर हमने मेंशन कर लिया। अब पूछ क्या रहा था, ट्रेट ट्रेस्ड इन द अबव पेडिग्री चार्ट इज, तो ये बोल रहा है कि यहां पे कौन सा ट्रेट हम यहां पे है या पेडिग्री किस तरीके की इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो हम यहां पे एक-एक करके चेक करेंगे, ठीक है। पहले चलिए हम कंसीडर करते हैं कि पेडिग्री कैसा है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, तो आपको जीनोटाइप्स पता होंगे, नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर डिजीज्ड है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, तो मेल जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो मेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स डी वाई से, और फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स स्मॉल डी क्योंकि वो नॉर्मल है। अगर इनका जब भी क्रॉस होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि फीमेल जो होगी वो हमेशा हेट्रोजाइगस बनेगी, ठीक है, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, और मेल हमेशा कैसा बनेगा एक्स स्मॉल डी वाई एंड एक्स स्मॉल डी वाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि फीमेल जो होगी वो हेट्रोजाइगस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सारी फीमेल डिजिस्ट बन रही हैं और सारे मेल नॉर्मल बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखें सेकंड जनरेशन में कि दोनों जो फीमेल हुई हैं वो डिजिस्ट हो रही हैं और जो बाकी जो मेल हुए हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है पेडिग्री। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की सेकंड फीमेल पे, सेकंड फीमेल फिर से कैसी है, डिजीज्ड है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, और मेल कैसा है, नॉर्मल है। इन दोनों से अगर देखेंगे तो फिर से फीमेल जो हो रही है डिजीज बन रही है और फीमेल नॉर्मल दोनों बन सकते हैं, मतलब डिजीज्ड फीमेल भी बनेगी नॉर्मल फीमेल भी बनेगी, और मेल जो होगा वो बनेगा डिजीज्ड मेल और नॉर्मल मेल, मतलब फीमेल डिजीज बन सकती है नॉर्मल बन सकती है। सर इसमें भी आप देख सकते हो कि नीचे जो पेडिग्री दिया वो फॉलो हो रहा है कि मेल डिजीज्ड भी है, मेल नॉर्मल भी है, फीमेल डिजीज्ड भी है, फीमेल नॉर्मल भी है। तो यहां तक देखे तो ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट देखते, तो सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें कि रेसेसिव एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक रेसेसिव को चेक करते हैं। चलिए एक्स लिंक रेसेसिव अगर होता तो हम फर्स्ट कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में मेल जो है वो कैसा है, डिजीज्ड है, तो डिजीज मेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्मॉल डी वाई, और फीमेल जो है वो नॉर्मल है तो हो सकती है हेट्रोजाइगस भी और डोमिनेंट। अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हम देखें डोमिनेंट के साथ, तो यहाँ पे जो फीमेल होगी हमेशा कैसे बनेगी नॉर्मल, और मेल भी जो बनेगा वो कैसा होगा नॉर्मल। तो फर्स्ट केस में अगर होमोजाइगस मान ले फीमेल को, तो इस केस में हमेशा
मतलब फीमेल जो होगी वो नॉर्मल बनेगी और मेल जो होगा वो नॉर्मल बनेगा, पर यहाँ फीमेल डिजीज भी दिखा रहा है इसलिए यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट केस में क्या पॉसिबिलिटीज है, मेल जो है फर्स्ट जनरेशन का वो डिजीज है तो एक्स स्मॉल डी वाई लिख सकते हैं, और जो फीमेल है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी और एक्स कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी। अगर फर्स्ट केस लेते हैं, मान लेते हैं कि फीमेल कैसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट है नॉर्मल है, तो हम लिख सकते हैं एक्स कैपिटल डी कैपिटल डी। इसके केस में हर फीमेल जो होगी वो नॉर्मल बनेगी और हर जो मेल होगा वो भी नॉर्मल बनेगा, पर यहाँ पे डिजीज कंडीशन दिखा रहा है फीमेल का इसलिए पेडिग्री फॉलो नहीं हो रहा है। अगर वाई लिंक्ड होता, हमने बोला कि वाई लिंक्ड अगर होता है तो वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन दिखाता है, पर यहाँ पे आप देखो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज था, फिर सेकंड जनरेशन में फीमेल डिजीज आ रही है, फिर थर्ड जनरेशन में मेल एंड फीमेल दोनों डिजीज आ रही है, तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा है जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है वाई लिंक्ड डिजीज के अंदर, कि मेल टू मेल इनहेरिटेंस होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज होंगे, सेकंड जनरेशन के सारे मेल डिजीज होंगे, थर्ड जनरेशन के भी सारे मेल डिजीज होंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है क्लिनिक डोमिनेंट कंडीशन, मतलब कि जो डिजीज यहाँ पे या जो पेडिग्री हमें यहाँ पे शो किया गया है वो पेडिग्री कैसा है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है। नेक्स्ट पेडिग्री जो आपके सामने है AIPMT 2009 में पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट, एक चार्ट दिया हुआ मुझे उसे पता लगाना है, व्हाट डज इट शोस, ठीक है, जेनेटोस सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शंस हम देखते हैं वन बाय वन। पहले तो ये बोल रहा है कि जो चार्ट इसने दिया जो के अकॉर्डिंग ये किस टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर सकता है, तो मुझे एक एक करके पहले स्टडी करना पड़ेगा ये किस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न दिखा रहा है। तो सबसे पहले चले हम ऑटोसोमल रेसेसिव ले लेते हैं, आते हैं कि ये जो चार्ट है कैसा है। ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोनों ऊपर नॉर्मल हैं, और नॉर्मल कंडीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, होमोजाइगस या हेटरोजाइगस ए कंडीशन। अगर फर्स्ट केस माने कि दोनों पेरेंट्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, वो अगर कैसे हैं होमोजाइगस हैं, तो इनसे ऑलवेज होमोजाइगस नॉर्मल ही बनने वाला है। पर आप सेकंड जनरेशन में देखिए कि कुछ नॉर्मल भी बने हैं और कुछ डिजीज्ड भी बने हैं, इसलिए ये पेरेंट तो कैसा हो सकता है, होमोजाइगस नहीं हो सकता है नॉर्मल। अगर हेटरोजाइगस नॉर्मल लेता हूं तो पॉसिबल है कुछ डिजीज और कुछ नॉर्मल बनने का, तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड जनरेशन का थर्ड फीमेल जो है नॉर्मल है और वो नॉर्मल मेल से क्या कर रहा है, मैरिज कर रहा है, तो अगेन ये दोनों कैसे हो सकते हैं, हेटरोजाइगस हो सकते हैं, तब जाके इनके लिए फुलफिल हो सकता है, अगर होमोजाइगस होंगे तो नहीं होंगे। तो ये पेडिग्री कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव होने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज है क्या, तो चलिए ये भी देखना पड़ेगा आपको क्योंकि पूछा है। तो सेक्स लिंक डिजीज है और रिसेसिव अगर होता तो हमारे पास जो मेल होता वो नॉर्मल होता, तो हम लिख सकते थे एक्स कैपिटल डी वाई नॉर्मल कंडीशन के लिए, सेक्स लिंक रिसेसिव है तो ये लिख सकते हैं, और अगर फीमेल है फिर से हमारे लिए क्या हो सकती है, वो हेटरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट केस में भी देखेंगे तो सारे के सारे चीजें क्या होंगे, नॉर्मल बनेंगे, इसलिए यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। सेकंड केस में आप देखोगे तो सारे फीमेल जो होंगे वो नॉर्मल बनेंगे, पर यहाँ फीमेल डिजीज भी दिखाया है, इस वजह से सेकंड जनरेशन में यहाँ फीमेल भी डिजीज आ रहा है, इस वजह से क्या होंगे, ये पेडिग्री एक्स लिंग रेसेसिव तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंग इन बोर एनर ऑफ मेटाबोलिज्म लाइक फिनाइल कीटोनूरिया, तो सेक्स लिंग, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डिजीज होता है, तो यहीं पे गलत हो गया कि ये सेक्स लिंग इनबोर्न एरर बता रहा है, जबकि ये कैसा है, ऑटोसोमल इनबोर्न एरर है। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोनूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये सही है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कैसा है और हमारा जो पेडिग्री इनहेरिटेंस दिख रहा है वो भी कैसा दिख रहा है, रिसेसिव। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि ये पेडिग्री जो है वो कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2010 में पूछा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट, अगेन यहाँ पे क्या है, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा सिंबल जो दिया है वो करेक्ट है। सिंबल नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके चेक कर सकते हो और डिटेल स्टडी कर सकते। चलिए पहला ऑप्शन दिया है वो अनअफेक्टेड फीमेल का दिया हुआ है। आपको पता है कि फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं और अनअफेक्टेड होगा तो नॉर्मल सर्कल से डिनोट करेंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है अनअफेक्टेड फीमेल और बॉक्स बना हुआ है, इसलिए आंसर क्या है, गलत। अगर यहाँ पे सही कंडीशन होता तो वो कैसा होता, एक सर्कल होता। फिर दिया दूसरा मेल अफेक्टेड, मेल जो होता है वो स्क्वायर से आप डिनोट करते हो, जबकि यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, डायमंड शेप, जो कि सेक्स अनस्पेसिफाइड को दिखाता है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन जो आपके सामने दिया हुआ, एक मेल दो हॉरिजॉन्टल लाइन से फीमेल के साथ कनेक्टेड है, ये मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक
है, तो हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, तो ये मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स दिखाता है जो कि करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन अपन अगर देखें तो नॉर्मल सर्कल है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, नॉर्मल फीमेल होती है, अनअफेक्टेड फीमेल होती है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, अनअफेक्टेड मेल, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है डेट इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या दिखा रहा है, एक कंसिजियस मैटिंग को दिखा रहा है, मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा हो सकता है, थर्ड। नेक्स्ट पेडिग्री जो है एम्स 2013 में पूछा गया है, इन द गिवन पेडिग्री देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ टू फैमिलीज, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। यहाँ दो पेडिग्री चार्ट दिए हैं, फैमिली वन एंड फैमिली टू, और इन्हें मुझे देख के बताना है कि डिजीज इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है। तो फर्स्ट फैमिली के अंदर अगर मैच करें, फैमिली हैज 3 डॉटर्स 2 सन। अब देखो ए फैमिली के अंदर 3 डॉटर है क्या, बिल्कुल सही है, और 2 सन है क्या, सही है। चलिए फैमिली ए हैज 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स, तो ये गलत हो जा रहा है, फैमिली ए के अंदर 3 सन तो नहीं है, 2 डॉटर नहीं है, गलत। आप देख सकते हो पेडिग्री में कि यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन में वहाँ 3 डॉटर्स हैं और 2 सन है, तो फर्स्ट तो फुलफिल हो रहा है कि पेडिग्री हैज 3 डॉटर्स, तो 3 डॉटर्स हैं और 2 सन है, तो 2 सन है, तो सेकंड फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि फैमिली ए के पास 3 सन तो नहीं है। फिर आइए फैमिली ए हैज होमोजाइगस पेरेंट, तो फैमिली ए जो होगा वो होमोजाइगस पेरेंट हो सकते हैं क्या, तो होमोजाइगस पेरेंट तो नहीं हो सकते कि अगर वो मान लो पेडिग्री डोमिनेंट है तो भी क्या हो सकता था, डिजीज के लिए हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस लिखते हैं, और नॉर्मल के लिए इसमें तो नहीं पॉसिबल है। अगर रेसेसिव होता तो भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि रेसेसिव के लिए डिजीज के लिए स्मॉल स्मॉल है कंडीशन, और उसके लिए आपको हेट्रोजाइगस लिखना पड़ता, मतलब किसी भी केस में क्या हो रहा है, होमोजाइगस तो नहीं हो सकते। फैमिली हैज वाई लिंक डिसऑर्डर, फिर से फीमेल डिजीज दिखाया है और मेल और फीमेल दोनों डिजीज आ रहे थे, ऑटोसोमल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वाई लिंक्ड क्या होता है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस दिखाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज होता, सेकंड जनरेशन के सारे मेल डिजीज होते तो पॉसिबल था कि वाइलिंग डिजीज हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के हिसाब से चले तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि फैमिली ए के पास क्या है, 3 डॉटर्स और 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो AIPMD 2015 में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। एक पेडिग्री दिया है वो किस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हमें पता लगाना है, तो चलिए देखते हैं। जनरेशन पुट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन 1 2 3, थर्ड जनरेशन 1 2 3 4 5 6 एंड फोर्थ जनरेशन 1 2 एंड 3। चलिए अब हमें देखना है कि किस टाइप का है, तो पहला जो है दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट, तो एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं चलिए चेक करते हैं। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है और फर्स्ट जनरेशन का फीमेल देखा जाए तो फीमेल नॉर्मल है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्मॉल डी कंडीशन। मेल कैसा है, डिजीज है, तो लिख सकते हैं एक्स कैपिटल डी वाई, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। इसके केस में देखेंगे तो फीमेल हमेशा कैसी बनेगी, डिजीज हर एक कंडीशन में, ठीक है, और मेल जो होगा बनेगा हर कंडीशन में कैसा बेटा, नॉर्मल। तो सेकंड जनरेशन में देखिए तो फीमेल डिजीज बनी है और मेल कैसा बना है, नॉर्मल बना है, और एक मेल डिजीज भी दिखाया हुआ, तो जबकि हमारे पास इस क्रॉस से क्या हो रहा है, एक भी मेल डिजीज्ड नहीं आ रहा है, सारे मेल नॉर्मल बन रहे हैं, इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री नहीं है, क्योंकि यहीं पे क्या हो जा रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड जनरेशन में नॉर्मल के साथ साथ क्या दिखाया है, डिजीज्ड मेल भी दिखाया है, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक भी डिजीज्ड मेल नहीं बनना चाहिए, सारे नॉर्मल बनने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो फीमेल नॉर्मल है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल स्मॉल कंडीशन, और अगर मेल डिजीज्ड है तो क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन। अगर फर्स्ट हम होमोजाइगस मान लें उसको, तो इसके केस में सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे, और सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे मतलब सारे के सारे डिजीज्ड आने चाहिए थे, पर यहाँ पे एक नॉर्मल भी है, इस वजह से ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो स्मॉल स्मॉल और हेट्रोजाइगस के केस में आप देखोगे तो नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन का जो फीमेल है जो कि डिजीज्ड है मतलब हेट्रोजाइगस है, और मेल जो नॉर्मल है जिससे मैरिज कर रहा है, अगेंस्ट उनसे क्या पॉसिबिलिटीज है, उनसे नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना है, यहाँ तक फॉलो हो रहा है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है होमोजाइगस और नॉर्मल मेल है, तो अगर थर्ड जनरेशन में मैटिंग देखो आप, दोनों नॉर्मल है, तो स्मॉल स्मॉल कंडीशन आना चाहिए, इसके वजह से सारे के सारे नॉर्मल बनना चाहिए, बट फोर्थ जनरेशन में क्या हो रहा है, कुछ डिजीज भी आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉलो नहीं हो रहा है,
इसलिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। अब आते हैं सेक्सलिंग रेसेसिव है कि नहीं, पहले दो तो नहीं हो रहे, सेक्सलिंग रेसेसिव देखते हैं। सेक्सलिंग रेसेसिव के अंदर फर्स्ट जनरेशन में फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, तो हम हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन मान सकते हैं इसको, और अगर डिजीज्ड मेल है तो एक्स स्मॉल डी वाई। अगर मानते हैं कि होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है, तो इसके केस में हर एक फीमेल कैसे बनेगी, नॉर्मल, हर एक फीमेल कैसे बनेगी, नॉर्मल एक्स टी और एक्स स्मॉल एक्स टी के साथ। पर यहाँ डिजीज्ड फीमेल भी दिखाया है, इसलिए ये कैसा है, सेक्सलिंग रेसेसिव भी नहीं है, एक्सलिंग रेसेसिव भी नहीं है। लास्ट बचा ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में फीमेल नॉर्मल है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव केस के लिए होमोजाइगस हो सकता है या हेटरोजाइगस हो सकता है, और फीमेल मेल डिजीज्ड है तो स्मॉल स्मॉल है। अगर होमोजाइगस मानते तो सारे नॉर्मल बनने चाहिए थे, पर यहाँ कुछ डिजीज भी बने हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। हेटरोजाइगस लेता हूँ तो क्या बन सकते हैं, नॉर्मल डिजीज दोनों बनने के चांसेस हैं। तो सेकेंड जनरेशन तक तो फॉलो कर रहा है नॉर्मल और डिजीज। सेकेंड जनरेशन का जो फीमेल है जो कि डिजीज है, स्मॉल स्मॉल है, और वो नॉर्मल से शादी कर रही है, तो हेट्रोजाइगस मानते हैं या होमोजाइगस भी हो सकता है, नीचे वाले से पता चलेगा। होमोजाइगस लेते तो सारे नॉर्मल बनने चाहिए, तो सारे नॉर्मल है, तो पॉसिबल है कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकते, यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। थर्ड जनरेशन देखो, दोनों नॉर्मल है, तो हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो नॉर्मल डिजीज दोनों बन सकते हैं, तो यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। वापस से आओ सेकंड जनरेशन में, मेल नॉर्मल है तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस ज्यादातर कंसिडर करेंगे, हेट्रोजाइगस, तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि हेट्रोजाइगस नॉर्मल डिजीज दोनों बन जाएंगे थर्ड जनरेशन में, तो दोनों बन रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास कि मेल कैसा है, डिजीज्ड है, स्मॉल है, स्मॉल है, और फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, तो हेट्रोजाइगस, तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी, नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से हम चेक करें तो ये पेडिग्री जो होता है वो ऑटोसोमल रेसेसिव हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पेडिग्री रिलेटेड, प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर बार आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।